सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने मोटोरोला के फ़ोन के अंदर अपने जो अपना हॉटस्पॉट है वो किसी और फ़ोन के अंदर स्कैन करके कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको इंटरनेट एंड नेटवर्क्स में जाना है। जाने के बाद यहाँ पे आपको हॉटस्पॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर देना। जैसे यहाँ पे ऑन, मैं इसको दोबारा ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा ग्लिच हो गया। आप इसको ऑन करते हैं, यहाँ पे देखो आपको हॉटस्पॉट का ऑप्शन मिल चुका है ऊपर, जैसे आपको देखने के मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपका हॉटस्पॉट नेम भी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्कैनर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर कुछ देख लेना। यहाँ पे आपका नीचे पासवर्ड भी लिखा आ जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास दूसरा फोन है सैमसंग का, तो मैं इससे अब स्कैन करूंगा। जैसे मैंने इसके स्कैनर पर क्लिक करा, आपके दूसरे फोन के स्कैनर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ, वैसे आपको भी इसको स्कैन कर लेना। जैसे स्कैन हो चुका है और देखिए यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ये कनेक्ट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यहाँ पे आपको उसको बैक कर देना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।